हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमित गुप्ता फ्रॉम जेम माइंस। आज एक मेरा सब्जेक्ट है ओपल। ओपल के बारे में मैं आपको काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ। जैसे कि ओपल होता क्या है, तो कहा जाता है कि जब बर्फ़ कई हजारों सालों तक जमी होती है तो एक पत्थर का रूप लेती है, उसे हम ओपल बोलते हैं। ओपल की जो बहुत अच्छी किस्म होती है उसमें बहुत अच्छी फायरिंग होती है जो कि नेचुरल होती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आज की डेट में जो ओपल मार्केट में मिल रहा है उसमें लोग बना देते हैं। बहुत कलाकारी है, कारस्थानी इसमें चल रही है, तो मैं कुछ ना कुछ आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले होता है कि ओपल में वैरायटी क्या क्या आती है। ओपल में सबसे बढ़िया दुनिया का ओपल होता है, अच्छा, उसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपल। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया से जो ओपल आता है वो सबसे अच्छा मानते हैं। हमारे एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज़ के लिए वो ओपल सबसे अच्छा माना जाता है और उसका असर बड़ा अच्छा होता है। ओपल शुक्र के लिए अच्छा माना जाता है, वीनस के लिए। कहते हैं कि किसी का शुक्र अच्छा हो या वो ओपल पहने तो उसका शुक्र और अच्छा हो जाता है। तो शुक्र वही धन का भी कहीं ना कहीं उसमें एक योगदान है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ओपल खरीदे तो खरीदे कैसे। देखिए, ओपल में तो ये सारी वैरायटी जो आती है ये सब ओपल ही है, सब ओपल है। ये वाइट रंग का पत्थर होता है, दुधिया पत्थर टाइप का होता है। अब इस ओपल के अंदर आप देख रहे हैं, कुछ ओपल में तो बिल्कुल फायरिंग नहीं है और कुछ ओपल में बहुत अच्छी फायरिंग है। जैसे कि ये देखिए आप, इसमें काफ़ी अच्छी फायरिंग इसके अंदर दिखाई दे रही है। लेकिन सावधान, इस फायरिंग के पीछे भी बहुत कुछ है। आजकल इसमें ना देखिए एक नई चीज़ आई है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये नई चीज़ क्या है। देख रहे हैं कितनी सुंदर सी फायरिंग है इसके अंदर। ये बिल्कुल नकली और सिंथेटिक ओपल है, बिल्कुल नकली सिंथेटिक ओपल है। ये किलो किलो में बिकते हैं सब जगह। नंबर वन, इसमें जो बिल्कुल विदाउट फायरिंग वाला ओपल आता है वो बहुत सस्ती रेंज आती है, इसके पैसे आप ज्यादा मत दीजिएगा। तीसरा, इसमें एक नई चीज आई है, उसे बोलते हैं उटोपियन। ये फायरिंग देखते हैं आप, ये आप पहनेंगे आप उसको बहुत महंगा भी खरीद लेंगे, फायरिंग भी बहुत अच्छी है और नेचुरल ओपल भी है, लेकिन इसकी जात अच्छी नहीं है। ये उटोपियन आते हैं, इसकी फायरिंग ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी पहने पहने। आप कहोगे हुआ क्या, आप गंगा जी में नहा के आए तो देखा ये सब फायरिंग तो गायब हो गई, और मजे की बात है फिर दोबारा इसमें फायरिंग आ भी जाएगी। तो ये अच्छा ओपल नहीं मानते हैं, ये बहुत सस्ता आता है। इसमें एक नई चीज आई है, जैसे एक मैं ओपल आपके लिए दिखाने के लिए लाया हूँ। इसमें फायरिंग तो है, ओपल भी असली है, लेकिन ये ड्यूप्लेट है। इसके ऊपर की जो परत है ना वो अलग से बना के फायरिंग की इसमें चिपका दी गई है। ओपल के ऊपर जो कि एक सस्ते वाला ओपल होता है विदाउट फायरिंग, उसके ऊपर चिपका दी या स्टिकर काइंड चिपका दिया, जो लगता तो फायरिंग का है लेकिन वो असली ओपल नहीं है। वो बहुत सस्ता आता है, चीटिंग है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की चीज़ें हैं, इससे सावधान रहिएगा। सबसे बढ़िया ओपल होता है ऑस्ट्रेलियन, फायरिंग का, नेचुरल, सर्टिफाइड, अनहीट, अनट्रीट। और इससे अब आम आदमी कैसे ले, इस ओपल का क्या गणित क्या है लेने का। अब हमारे जेम माइंस में तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, मार्केट से आधे रेट पे है, लेकिन आप खरीदते हुए ध्यान क्या रखें, हमेशा ध्यान रखिए। जब भी आप लें सर्टिफिकेट के ऊपर भी ध्यान रखिए, आप ये लीजिए सर्टिफिकेट, ये जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल का अपनी गवर्नमेंट लैब जो बोलते हैं ये सर्टिफिकेट होता है। और यहाँ नीचे लिखते हैं अगर हीटेड ट्रीटेड कुछ होता है, नेचुरल है, सर्टिफाइड है, ये दुनिया के बेस्ट ओपल आते हैं, उनका सर्टिफिकेट हम लोग लेते हैं। इसके बिना कुछ मत लीजिएगा, वरना इसमें बहुत हेरा फेरी है। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था कि मैं आप लोगों को अवेयर करूं, क्योंकि स्टोनों में आज की डेट में जो चीटिंग हो रही है उससे आप सावधान रहिए। आपको कुछ समझना भी हो तो आप यहाँ जेम माइंस करोलबाग में कभी भी आ सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। मैं एक नई वीडियो के साथ आपके पास दोबारा आऊँगा जल्दी ही। धन्यवाद।